ए पीछे थोड़ा ही पीछे पीछे बाइक में बैठा ना वाह 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 जी वाह ये चालू वेरी गुड ओ आंटी चलो हटो आ लेना क्या सर थोड़ा छाव में आइए ना थोड़ा बैकग्राउंड बैकग्राउंड थोड़ा साइड पे आएंगे St. Teresa's, because I went to St. Teresa's boys school. So that's why when Asif bhai said, I said I have to be. Oh, yeah. So nice of him. Though he's so busy, he's having his biggest release also with Akshay Kumar and Jackie. His father is also known to Ashish Ji. Vashuji has been like a godfather to all of us. That's a sister. This is initiated by Mr. Shela. Come, we'll form a... So, we can do it. We can do it. We Sir. Thank you. Thank you. Now, Asif, what we'll do is we'll call the school students. Sir, one pic with our family. Yeah. First, we'll have a photo of Sir Jackie. So, till then, you will. Thank you. 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 That's good. From the Cry Foundation. Namaskar. Sit down.
CRAI is a very renowned foundation. So the imprints on the chairs are all done by the kids. All the children of the CRAI Foundation have curated this room. So we have them. Child rights and you meeting everybody, you can make a difference. So, it's Indian, but we do have chapters in America and the US and in the UK. Yeah, we have kind of organizations. Bench pe bitha ke pucho bhai Ritika Karol Priyanka Karol Dekhiye, I'm a huge believer of saving the planet. Climate change is not a ek banavti cheez nahi, actually ho raha hai. हम ऑलरेडी देख रहे हैं, गर्मियों में ज़्यादा गर्मी हो रही है, ठंडियों में ज़्यादा ठंडी हो रही है, बर्फ़ पिघल रहे हैं, बर्फ़ बन रहे हैं, अनटाइमली बारिश हो रही है. एंड सो इट्स वेरी वेरी इम्पोर्टेंट. हम सब सीख रहे हैं कि हमें क्या करना चाहिए. और जैसे मुझे आसिफ भाई ने बोला कि ये एक अपॉर्चुनिटी है कि मैं आ सकता हूँ सेंट थीसा स्कूल में, जहाँ पर रिसाइकलिंग प्लास्टिक को के साथ बेंच बनाया गया है. I think it's a very, very good initiative. And मेरे आने से अगर एक 0.1% भी awareness थोड़ी बढ़ती है, it's an honor actually. सर, अगर awareness की बात करें तो क्या ऐसे steps हैं जो छोटे steps हम ले सकते हैं, क्योंकि अगर changes आता है तो सबसे आगे क्या देखिए, छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैं ये नहीं कहूँगा 100% टाइम्स, बिकॉज कभी आप ट्रैवल कर रहे हो तो पॉसिबल नहीं है, बट जैसे मुंबई में रहता हूँ तो मैं कोशिश करता हूँ, मेरी एक बॉटल है मैं उसी में पानी भरूँ, ऑफिस में मैं वही कोशिश करता हूँ. ये झूठ होगा कि मैं बोलूँ कि मैं 100% टाइम्स करता हूँ, बिकॉज कभी जल्दी जल्दी में बॉटल छूट गया, कहीं पहुँच गया, वहाँ प्यास लग रही है, बट धीरे धीरे करके ही ये हो सकता है. जैसे अब मेरी शादी हुई तो जितने गेस्ट आए थे और जितने पैप्स वाले थे, मीडिया वाले थे, जिन्होंने आके ब्लेसिंग्स दी, हमने एक एक ट्री सबके लिए प्लांट किया. गोवा में 600-700-800 ट्रीज प्लांट किए, क्योंकि ऑफकोर्स जब लोग आते हैं तो कार्बन फुटप्रिंट होता है, और मेरे को ब्लेस करने आए हैं तो मैं ये भी नहीं बोल सकता पता, तो यही कॉम्पेंसेशन मैंने किया. और कुल नहीं, एक चीज़ ये भी कहना चाहेंगे, भी होली आ रहा है तो पानी भी काफ़ी वेस्ट होता है. Absolutely. So, क्या ऐसा मैसेज आप देना चाहेंगे? देखिए, कुछ साल हो गए अभी जब से मैंने होली नहीं खेला है, तो मुझे होली बहुत पसंद है, बचपन से बहुत पसंद है, और बट मैंने नहीं खेला है बिकॉज आई नो कि फिर पानी बहुत वेस्ट होता है. सो बेसिक हर्बल कलर्स के साथ हम लोग अभी खेलते हैं और अच्छा खाना खाते हैं, राइट? सो या ऑफकोर्स ऐसा लगता है, अरे यार मस्ती नहीं हो रही है, बट देन यू हैव टू फाइंड वेज टू हैव फन. अगर बात करूँ आपके आगे कुछ प्रोजेक्ट्स, तो कब हम आपको बड़े स्क्रीन पर देख सकते हैं? बहुत जल्दी, बहुत जल्दी. इतने बड़े बड़े स्टार्स लॉन्च कर दिए हैं कि अभी इन्हीं को समय नहीं लगता मुझे. बहुत जल्दी, बट अभी अभी मेरा एक ही फोकस है ईद तक, और वो है बड़े मियाँ छोटे मियाँ. सर, आप बताइए कैसा लग रहा है सर आके, थोड़ा जैसे उन्होंने कहा कि 1% अपना देना और लोगों में जागरूकता फैलाना, क्या सोचते हैं इस पर? देखिए, जैकी इज ऑलवेज बीन अ बैंडर बॉय. And he has always had that fire in his belly कि मैं कुछ समाज के लिए करूँ, कुछ अच्छा करूँ. एक एक स्तर पर जब कोई व्यक्ति पहुँच जाता है तो समाज को वापस लौटाने की इच्छा होती है, वो संकल्पना इनके पिता में है, और उस जैसे पिता में है तो बेटे ने भी उसी को दोहराया. मैं वासु जी का बहुत पुराना उनका मैं साथी भी नहीं कह सकता हूँ, लेकिन वो हमसे बड़े सीनियर है और मैं बड़ा आदर करता हूँ. तो हम साथ ही सारे बैंडराइट्स हैं, और ऐसे ही मैंने परसों उन्हें जिक्र किया, बाय द वे मैं किसी दूसरे विषय में बात किया तो मैंने कहा यही हो रहा है. तो उन्होंने खुद ही इच्छा जताई कि यार आसिफ, ये तो बहुत अच्छा काम हो रहा है, एक अच्छा मैसेज जा रहा है, क्योंकि प्लास्टिक प्रदूषण एक बहुत बड़ा प्रदूषण, उससे मरीन लाइफ को डेंजरस है, उसके क्या क्या इम्पैक्ट्स है. हमने देखा कि कई गाँवों में जो गाँव में जो बकरियाँ हैं, जो जो जो
cows hai vagaira ye consume karte hain so many the elephants were found eating plastics also. So it's affecting the flora and fauna and it takes 500 years to recycle so to ensure that this is controlled in a proper in an appropriate manner actors like Jackie and of course producer bhi hai abhi to bahut bade to main actually nahi kahunga they're role models for a number of students and yahan logon mein badi utsukta hai ki Jackie ki tasveer khichaye ek photo to they're role models jab hum kahe koi baat to shayad koi sune na sune lekin yadi koi actor ek prasiddh film prakhyat व्यक्ति अगर कुछ बोलता है उसका एक बड़ा इम्पैक्ट होता है लोग कहते नहीं यार ये वाकई में सच बोल रहे और हमें भी करना चाहिए और ये रोल मॉडल है ये लोग जो कुछ करते हैं फैशन बन जाता है चाहे वो गाने में उन्होंने अगर बैंडाना पहना या ब्यूटीफुल हैट पहना उन्होंने सो ये एक फैशन स्टेटमेंट है तो ये उसके माध्यम से हमने और हमारे लिए सौभाग्य के सारे फिल्म इंडस्ट्री में चाहे अक्षय कुमार जी हो टाइगर हो ये सारे हमारे संस्था के साथ जो 27 साल से हुए हर काम में भी हमने 500 बीच क्लीनअप्स किए जैकी यू नो वी हैव कम फ्रॉम वन ऑफ द बीच क्लीनअप्स सो यू टू जॉइन वन मोर ऑफ अस सो बीच क्लीनअप्स है हमने 500 कर दिया और हमारे लिए सौभाग्य की बात थी कि प्रधानमंत्री ने मन की बात में भी हमारे काम का जिक्र किया यू वर देयर फॉर द गणपति विसर्जन क्लीनअप ऑल्सो सो पीपल लाइक जैकी लॉट मेनी स्टार्स भूमि इज देयर तापसी ये सारे लोग जो है ना along with the political diaspora they all come together on a common platform aur kya sab milkar ek acha sandesh jata hai thank you sir thank you so much so let's begin with our work yes come jaldi hat kar sab hi sophie wait 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 location will be used sophie ji wait a second sophie ji kisse to aaye yaar bas 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 sophie ji yes sophie ji सुफी जी है सेंटर सुफी जी आइए फर्स्ट विल डू दिस देखिए ये भी जो है बिल्कुल 9:15 में आपको बोला है ना ठीक स्टार्ट के जो धीरे धीरे बहुत एग्जैक्ट विल डू मैडम ठीक है मैडम Good morning everyone. Yes. Excuse me ma'am. One sec, I haven't put this. Okay, can I request the students to move a little, you know, slightly we'll inaugurate the benches now. Some space. Aiye aiye saath mein. Saath mein saath mein. Room 20. Room 20. Pichle na abhi dikha. Zoom out mein. We inaugurate the benches now, Asma. This is the first bench that we have. I would like to call Mr. Asif Bamla, the founder of the Bamla Foundation, and Mrs. Alka Kerkar, the ex-cooperator, as well as the alumni of our prestigious institution. So, we are here. We are here to inaugurate these recycled plastic benches that have been installed in our institution, St. Teresa's Institute of Education, Santa Cruz West. So, with joy in our hearts and a thunderous applause, let the green echoes fill the air of Go Green in 3, 2, 1. Go Green! बच्चे लोग बच्चे लोग बच्चे लोग हटो मैडम 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 ना खाली बस ना मुला मुली ना खाली जरा बस एक्सक्यूज मी सब मिस करा दिया आसिम भाई आसिम भाई
यू. On the second floor, we have a small introduction of the day, which is the Global Recycle Day. A small talk about it, which is going to be 5 minutes, and presentation of our speakers by the college principal and the trust. Let's go. Let's go. जैकी सर रुकिए ना जरा एक एक फोटो का क्लियर 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 जैकी सर इधर है ना जैकी सर जैकी सर आपके राइट में राइट में थैंक यू थैंक यू नहीं लेने का एक सेकंड हाँ सोलो सोलो क्या कर रहा है ना जरा फोटो नहीं हुआ अरे उधर लाइट ही नहीं है अरे पीछे ले ना भूमि यार सूफी जी रुकिए सूफी जी अच्छा सूफी मैम जो रिसाइकल प्लास्टिक जो आइडियाज है और जिस हिसाब से आज जो बेंचेस हमने देखा आपने टाइम स्पेंड किया कैसे लगा ये अवेयरनेस स्प्रेड करना आई थिंक सबसे ज़रूरी चीज़ ये है अवेयरनेस स्प्रेड करना और जब हम स्कूल से शुरुआत करते हैं तो वो जो आदतें हैं वो बच्चों में बचपन से ही आ जाती हैं एंड देन दैट लास्ट फॉर अ लाइफ टाइम और वही ज़रूरी है आई थिंक हम बहुत सारी लेक्चर्स देते हैं सबको कि रीयूज प्लास्टिक एंड यू नो डोंट रिसाइकल इन दिस दैट बट हमें खुद नहीं पता कि हमें क्या करना चाहिए अक्सर यू नो वी डिस्पोज ऑफ इट बट देन वी डोंट नो व्हाट टू डू आई थिंक दीज बेंचेस आर एन अमेजिंग एग्जांपल ऑफ हाउ वी कैन रिसाइकल एंड रीयूज प्लास्टिक यूजफुल भी है एंड्यूरिंग भी है स्कूल्स में तो बहुत ही अच्छे लग रहे हैं सबको तो आई थिंक इट्स वेरी गुड होली होली में भी काफ़ी मैं सबको यही कहती हूँ कि प्लीज प्ले अ ड्राई होली फर्स्ट ऑफ ऑल पानी की वैसे ही इतनी कमी है तो लेट्स बी अवेयर आई नो साल में एक ही बार ये त्यौहार आता है एंड इट्स अ स्पेशल स्पेशल ओकेजन फॉर एवरीबडी लेकिन हमें थोड़ा सेंसिबल होना पड़ेगा अगर हम चाहते हैं कि हमारा प्लानेट और एनवायरमेंट सही रहे तो पानी के बगैर कोशिश करें इट्स सेफर ऑल्सो दैट वे एंड प्लास्टिक प्लीज स्ट्रॉज बॉटल्स जितना कम आप यूज कर सकते हैं ऐसे ही अपनी जिंदगी में प्रैक्टिस करें फॉर होली आई यूजली लॉक माय सेल्फ अप थोड़ा सा खेलती हूँ एंड देन आई लाइक टू स्टे इनडोर्स हाय मैं हूँ सोफी चौधरी मेरी ओर से सबको होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं आई होप आपकी जो जिंदगी है हमेशा रंग बिरंगी है व्हाट इज योर अपकमिंग प्रोजेक्ट्स अपकमिंग तो अभी लास्ट वीक रिलीज हुआ है नया गाना लिप्स करके जो लोगों को बहुत पसंद आ रहा है इट्स माय वर्जन ऑफ होंठों पे ऐसी बात तो लोगों को बहुत अच्छा लग रहा है वीडियो और गाना भी इट्स ट्रेंडिंग ऑल ओवर सोशल मीडिया सो दैट फील्स वेरी गुड और भी गाने आ रहे हैं शायद आप अगले महीने मुझे पिक्चर में भी देखोगे सो आई हैव बीन वेरी बिजी एंड आई एम एक्साइटेड थैंक यू सो मच ऑल द बेस्ट थैंक यू Yeah.